शिव जी ने कहा, देवी सुनो तो सही, मैंने आपसे क्रीड़ा विलास यानी मनोविनोद में ये वार्ता की, आप इसका भाव जाने बिना उठ के जा रही हैं, क्रोध कर रही हैं, मैंने तो परिहास किया था, मेरे कथन की सत्यता आपको भविष्य में पता लगेगी, तब तक तो आवेश पे थी, मैं नहीं जानती, मैं जा रही। भगवान शिव सोचने लगा। अब पार्वती जी क्या करेंगी ये तो अपन आगे समझ ही लेंगे, लेकिन इस प्रसंग में जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पार्वती जी ने जाते जाते कहा, आपने मुझे काली कहा है तो अब मैं जा रही हूँ, मैं ब्रह्मा जी की उपासना करूँगी और उपासना करके मैं गोरी होके ही लौटूंगी, और चली गई। भगवान शिव देखते रहे। देखिए शिव पुराण का ये प्रसंग एक बात कहता है कि अपने जीवन साथी पे, जीवन साथी मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, अपने जीवन साथी पर कभी व्यक्तिगत और शारीरिक दोष के अनुसार टिप्पणी न करें, ये झंझट हो जाएगी जो अभी इनके साथ हुई और हो ही रही है। इस रिश्ते में मान सम्मान बनाए रखिए, और पति पत्नी तो छोड़िए, किसी के भी शारीरिक दोष पे कभी टिप्पणी मत करिए, क्योंकि ये जो अपन लोग कभी कभी टिप्पणी कर देते हैं मनुष्य के शारीरिक दोष पे, किसी को पैर से चलने में बाधा हो, किसी को दिखने में बाधा हो, किसी के हाथ में दोष आ जाता है, इतनी इंद्रियां हैं, कोई दोष आ जाता है, यदि आप परिहास करते हैं, विनोद करते हैं, व्यंग करते हैं, ये तो ऐसा है, वो तो वैसी है, समझ लीजिए आपने मनुष्य के शरीर के दोष पे यदि टिप्पणी की है तो आपने उसके निर्माण करने वाले कारीगर को गाली दी है, और वो परमात्मा होता है। कभी किसी पे टिप्पणी मत करिए, कभी नहीं, क्योंकि ये विनोद, ये परिहास, ये व्यंग आप भगवान का उड़ा रहे हैं, कब किसको शारीरिक दोष आ जाए। उन माता पिता से पूछिए जिनके बच्चे विकलांग होते हैं, तब आपको पता लगेगा क्या पीड़ा होती है ये। इसलिए किसी के शरीर में कोई दोष हो कभी परिहास मत करना, ये पाप है, उस दर्द को समझिए, और दूर न कर सके तो कम से कम टिप्पणी तो ना करें। पार्वती जी आवेश में चली जाती हैं, इसलिए खास तौर पे घर परिवार में तो कभी शारीरिक दोष पे टिप्पणी न करें, इससे बचे। ये प्रसंग हमको ये इशारा कर रहा है। पार्वती जी गईं, उन्होंने तपस्या आरंभ की, एक बाग बैठे बैठे शेर सिंह देखा करता था पार्वती जी की तपस्या को। पार्वती जी तपस्या किए जा रही, तो पार्वती जी को जब तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, तो उन्होंने अपनी त्वचा कोष उतार दी, मतलब काली त्वचा जो थी वे उतार के गौरी रूप में आई, इसीलिए पार्वती जी का नाम एक गौरी कौशिकी पड़ गया, कौशिकी भी उनका नाम, क्योंकि त्वचा कोष उतार दिया, और उस सिंह से इतना प्रसन्न हुई कि उसको ले आई कि चल आज तू मेरे साथ। तब से उनका एक वाहन सिंह भी हो गया, वो सिंह वहाँ से दूर से देख रहा था तो अपने साथ लेके आ गई। अब पार्वती जी लौट के आई, और जैसी लौट के आई तो गौरी होके आई, और गौरी होके आई तो महादेव तुरंत खड़े हुए, महादेव ने उनको प्रणाम किया, बोला आइए देवी आइए, मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। अब किसी की पत्नी गौरी होके आएगी तो फिर पति तारीफ करेगा ही करेगा, इसमें कौन सी नई बात है। तो महादेव ने भी तारीफ करी कि आप बिल्कुल सुंदर होके लौट आई हैं, आपका स्वागत है। लेकिन उस समय पार्वती जी और शिव जी का विरह घटा था, क्योंकि शिव जी बात में ध्यान में सोचते, मेरी पत्नी मेरी टिप्पणी से चली गई, पर ये दोनों माता पिता ने अपनी संतानें देवताओं की रक्षा के लिए विरह स्वीकार किया। आज भी कई माता पिता अपनी संतान के हित के लिए विरह स्वीकार करते हैं, ये तो विरह था सज्जनों देवियों, और विरह की पीड़ा का नाम भक्ति है। एक सूत्र दे रहा हूं मैं आपको विचार करना, विरह सबको परेशान करता है, लेकिन भक्ति में यदि विरह उतर आए तो भक्ति और परिपक्व हो जाती है, क्योंकि विरह आया तो और तेजी से भगवान याद आता है। केवल भक्ति का विरह मनुष्य को शांत करता है, और संसार का विरह मनुष्य को अशांत करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में दार्शनिकों ने 10 तरह की विरह की दशा बताई है। आपके और हमारे जीवन में कभी कभी विरह घटता है। विरह का मतलब अपने प्रिय व्यक्ति से दूर हो जाना, विरह का मतलब अपनी प्रिय वस्तु से दूर हो जाना, यह विरह है। सबके जीवन में घटा होगा। 10 अवस्थाएं होती जब मनुष्य के जीवन में विरह आता है। विरह की पहली अवस्था है चिंता। जब हम किसी विरह में होते हैं तो चिंता में डूब जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहा होगा, बच्चों का विरह माँ बाप को चिंता में डूबता है, ये पहली अवस्था, खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, ये विरह की पहली अवस्था चिंता। विरह की दूसरी अवस्था का नाम है जागरण।
विरह में आदमी जागता है, नींद उड़ जाती है, देर रात तक जाग रहे, खबर नहीं आई क्या हुआ, ये दूसरी अवस्था जागरण। विरह की तीसरी अवस्था उद्वेग। विरह में आदमी आवेश में आ जाता है, उद्वेग में आ जाता है, चिल्ला चोट करने लगता है। विरह की चौथी अवस्था कृशता, बिना खाए पिए शरीर को दुबला करना, ये भी विरह में होता है, ये चौथी अवस्था है। विरह की पांचवी अवस्था होती मलिनांगता, शरीर पे गंदगी जम जाती, ध्यान नहीं रहता, विरह में डूबे हैं, दुखी हैं, अपना प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो नीचे शोक मनाने वाले लोग होते हैं उनकी देह की ऐसी हालत होती, नहाते धोते नहीं है, गंदा हो जाता है, फिर लोग कहते हैं नहा लो भैया, साफ सफाई रख लो। विरह की छठवीं अवस्था का नाम है आलाप। आलाप मतलब विकसित वार्तालाप। विरह में आदमी उल्टी सीधी बात करने लगता है, कभी कभी तो जिसके यहाँ जवान मृत्यु हो जाए तो जो रह जाते हैं वो ऐसी विरह में हम भी इसके साथ क्यों ना चले गए, फिर लोग उनको समझाते हैं, रुलाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, होश में लाते हैं। ये विरह की छठवीं अवस्था। विरह की सातवीं अवस्था होती उन्माद। उन्माद मतलब अटपटी चेष्टाएँ करने लगता है, जो चला गया उसकी तस्वीर से बात करने लगता है, उसके कपड़ों को लिपटा लेता है, ये अटपटी चेष्टाएँ, यह विरह की सातवीं स्थिति है। विरह की आठवीं स्थिति होती व्याधि। कोई ना कोई बीमारी पाल लेते हैं लोग विरह में याद कर करके। नवी स्थिति होती मोह। मोह मतलब मूर्छा, बार बार बेहोश होते हैं, फिर छींटे डालते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बेहोश होते हैं। और विरह की दसवीं अवस्था होती मृत्यु के समान, मृत्यु तुल्य लगने लगता है, ऐसा लगता है बस मर जाएं, मर जाए, और आत्महत्या कर लेते हैं लोग। ये है विरह। इससे बचने का एक ही तरीका, जीवन में जब विरह आए परमात्मा से जुड़ जाइए। जीवन में विरह आया और संसार से जुड़े, विरह बढ़ेगा और पीड़ा देगा। विरह आया और परमात्मा से जुड़े, पीड़ा का आनंद आ जाएगा। इसीलिए दुनिया में परमात्मा से जुड़ने से विरह की पीड़ा भी आनंद देने लगती है। ये गजब का गणित है, इसको हर भक्त को अपना लेना चाहिए। तब शिव बोले, देवी आप आ गई, आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपके ऊपर ये टिप्पणी क्यों की थी। अब आपको भविष्य में पता लगेगा मैंने ऐसा क्यों किया। और यहां शिव जी ने एक टिप्पणी दी कि देवी एक बात याद रखना, मैं अग्नि का मस्तक हूं, उस पे स्थित हूँ अग्नि पे, और आप सोम हैं। हम दोनों का ये जो संबंध है ये अग्नि सोमात्मक संबंध है, जगत में इसी के नाम से हम दोनों जाने जाएंगे। शिव अग्नि, पार्वती को सोम बताया है। यही तो योग विज्ञान है। हमारे शरीर में दो स्वर चढ़ते हैं, हमारा बायां स्वर और हमारा दायां स्वर। दाएं स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं अग्नि, बाएं स्वर को सोम स्वर कहते हैं, जो नाक से आपकी सांस चलती है इसको स्वर कहते हैं। वो जो है वो चंद्र स्वर है, वही सोम स्वर है। इसको पुरुष और नारी का स्वर भी कहते हैं। इस पे हम विज्ञान पे बीच बीच में बात करते रहे और करते रहेंगे, अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं। सचनो देवियों, तो आज हमको वो यही समझा रहे हैं कि देवी आप आवेश में ना आए, देवी आप क्रोध में ना आए। आज शिव और पार्वती का ये प्रसंग, जब लौट के आती हैं पार्वती जी, और उन्हीं पार्वती जी ने इसी रूप में शुंभ और निशुंभ का वध किया था। अपने बच्चों की रक्षा के लिए माता पिता ऐसा स्वरूप ले लेते हैं। अग्नि और सोम, शिव जी ने ये जो शिव पुराण में पति पत्नी के रूप में कहा है, ये सबको समझना चाहिए। पुरुष आक्रामक है, अग्नि का रूप है, बात बात में आवेश में आ जाता है। स्त्री सोम है, मूल रूप से उसका स्वर चंद्र स्वर है, इसलिए वो जल्दी उदास हो जाती है। पुरुष का क्रोध आक्रामक बन के निकलता है, स्त्री का क्रोध उदासी में निकलती है। स्त्री की उदासी लंबे समय डिप्रेशन में बदल जाती है, और पुरुष का आक्रमण लंबे समय क्रोध में बदल के पूरे वंश को नुकसान पहुंचाए। इसका संतुलन होना चाहिए। इसलिए शिव जी ने देवी से कहा, देवी मैंने तो इस कारण आपका अपमान किया और आप तो ऐसे गुस्से में चली गई। तब पार्वती जी मुस्कुरा दी, शिव जी भी मुस्कुरा दिए, और शिव जी ने कहा, एकांत वाणी, क्रोध, अहंकार और समर्पण, ये पांच चीजों के सदुपयोग का नाम होता है प्रेम। बात बड़ी गहरी आई है शिव पुराण में। कोई किसी से प्रेम नहीं करता आजकल, प्रेम तो कोई कर भी नहीं सकता, ये बड़ा पवित्र शब्द है। लेकिन प्रेम को समझना हो तो शुरुआत करिए अपनेपन से।
अपनापन करुणा में बदल जाए तो करुणा प्रेम में जल्दी से बदल जाएगी। सीधे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, तो इसकी शुरुआत करिए अपनेपन से। और वही शुरुआत शिव जी ने पार्वती जी के साथ की। और देखिए, अपनापन यदि परिवार में उतर आए, प्रेम तो छोड़िए कोई कर नहीं सकता, बड़ा गहरा शब्द है, बड़ा पवित्र शब्द है, पर अपनापन तो बना सकते हो। बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच अपनापन भी आ जाए कि ये अपने हैं, तो भी काम चल जाएगा। आज शिव जी यही समझा रहे हैं, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए। देखिए भैया, घर परिवार में रहने का एक तरीका है, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए। जब भी सौदा कीजिए, खरा कीजिए, हर तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे, अपने चेहरे से उदासी हटा लीजिए। बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं हम लोग। आज शिव जी ने जो बात पार्वती जी को समझाई है, वो वही तो बात है। चलिए एक भजन के साथ शिव जी और पार्वती जी की बातचीत को जीवन में उतार लें, और फिर आगे की कथा में चलेंगे कि शिव की उपासना कैसे की जाती, वायवी संहिता में हमको ये बताया जाएगा। आइए मेरे साथ इस भजन को, जो विशेष ठाकुर ने लिखा है, बड़े प्रेम से गाइएगा। या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, कीजिए जब भी सौदा खराब कीजिए, हर तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे, अपने चेहरे से उदासी हटा लीजिए, फिर जमाने का सामना कीजिए। एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके, एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके, सबको ये गुण सिखाइए जैसे भी हो सके, हो सबको ये गुण सिखाइए जैसे भी हो सके। एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके, एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके। आहा हो हो, सच बात तो यह है कि बातचीत चल रही है वायु में और देवताओं में। वायु देवता से ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न पूछा, किसकी आराधना श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा, शैवो ही परमो धर्म श्रेष्ठानुशान शब्दितः। शिव उपासना परम धर्म है, शिव उपासना श्रेष्ठ अनुष्ठान है। शिव तृप्त करने वाले और कल्याण के देवता हैं। कल्याण को अंग्रेजी में वेलफेयर कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की हित की सोचे वो सच्चा शिव भक्त है। शिव कल्याण के लिए ही निकले हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं पर दूसरे का भला करने को तैयार है। और दूसरे के भले करने की अगर आदत बनाना हो ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस का नाम है जरा मुस्कुराइए। अरे बड़ा मुश्किल होता है मुस्कुराना, लेकिन भूल सी भी अगर मुस्कान आ जाए तो जाने मत दीजिए, ये गलती कभी मत करना। कुछ लोगों को हंसी आती भी है तो दबा लेते हैं, स्टेटस का मामला, मुस्कुराएंगे तो दूसरे क्या लोग सोचेंगे, कई तो इसी चक्कर में नहीं मुस्कुराते। पतियों से पूछो घर में मुस्कुराओ, बोले घरवाली देख लेगी गलती से भी तो माथे चढ़ जाएगी। सीरियस रहने की एक्टिंग कर रहे हैं लोग, अपनों लोगों से ही।
भूले से भी किसी के ये होठों पर आ गई, भूले से भी किसी के ये होठों पे आ गई, तन मन में उसके एक नई मस्ती सी छा गई, तन मन में उसके एक नई मस्ती सी छा गई। वापस न जाने दो इसे जैसे भी हो सके, वापस न जाने दो इसे जैसे भी हो सके। एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके, एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके। आहा ओ हो हो आहा ओ हो आहा। देखिए हमारे शिव जी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था जब विवाह करने के द्वार पे खड़े थे, मैना जी ने अपमान कर दिया तो शिव जी ने कहा था कोई मेरा मान करे या अपमान करे मैं इसकी चिंता नहीं पालता, मैं क्या हूं ये मैं तय करूंगा, दूसरों से अपना एनालिसिस मत कराइए, सेल्फ एनालिसिस करिए, आप क्या हैं दूसरा क्या जाने। हमारा पूरा जीवन दूसरों से संचालित रहता है, दूसरा कह देता है हम अच्छे, हमारा मूड ठीक हो जाता है, दूसरा जरा सा उफ कर दे हमारा दिन भर खराब हो जाता है, कितना दूसरों से संचालित है। अरे आप हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। एक शायर ने भक्तों के लिए लिखा है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। वाह, तो दुनिया अपना ही काम करेगी, आप अपनी मस छोड़िए मस्ती, ये जो मुस्कान की रंगत जब चढ़ती है ना, कोई धोबी इस रंगत को नहीं धो सकता, कोई इस आनंद को मिटा नहीं सकता, इसको कहते हैं प्रसन्न रहना। भक्त को उदास नहीं रहना चाहिए। इसकी जुबां अलग है तो अंदाज है कई, इसके जुबां अलग है तो अंदाज है कई, होठों पे खेलती है ये हर पल नई नई, होठों पे खेलती है ये हर पल नई नई, रंगत को इसकी कोई भी धोबी ना धो सके, रंगत को इसकी कोई भी धोबी ना धो सके। एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके, एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके। आज कथा का अंतिम दिन है और वो जो स्कीम आपने चार दिन से लागू की है आज तो खत्म कर दीजिए। मुस्कुराने का भजन अभी भी कुछ लोग इतना सीरियसली कर रहे हैं जैसे किसी को अस्पताल में भर्ती करके बैठे हो। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुराते हुए करिए, सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे राम नाम सत्य गा रहे हो आप। जरा मुस्कुराते हुए गाइए।